शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। 65 दिनों से लगातार ब्राह्मण सेना गरीबों को बांट रही है खाना। लॉकडाउन में फंसे गरीब लोगों को खाना देने का कार्य ब्राह्मण सेना 65 दिनों से निरंतर कार्य कर रही है। रविवार को वाड़ीनाका नंबर 10 पर गरीब लोगों को मास्क व खाना वितरित किया गया। लॉकडाउन के बाद भी ब्राह्मण सेना खाना खिलाने का दायित्व निभा रही है। लॉकडाउन में फंसे गरीब लोगों को आज भी खाना देने का कार्य ब्राह्मण सेना की ओर से जारी है। यह जानकारी राजू मिश्रा द्वारा दी गई है। ब्राह्मण सेना के सचिव और डिफेंस सहयोगी अभिजीत राज चौबे प्रमुखता से इस समय उपस्थित थे। पवन मिश्रा मुख्य अतिथि, ब्राह्मण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष त्रिवेदी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव राम किशन ओझा, वाड़ी शहर नागपुर पुलिस स्टेशन के PI राजेंद्र पाठक उपस्थित थे। राजू मिश्रा ने कहा, वाड़ी नगर परिषद परिसर दौलामेटी डिफेंस लावा खड़गांव वर्धामना परिसर में कोरोना मुक्त है। वाड़ी के पुलिस कर्मी, नगर परिषद कर्मी, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी और पत्रकार भाई सभी ने दिल खोल इस मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इन सभी का ब्राह्मण सेना के पदाधिकारियों ने सहारा है। साथ ही में सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि सरकार के नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजर का बार बार उपयोग करें। जब से भारत में लॉकडाउन है तब से खाने का प्रोग्राम लोग के सहयोग से चलाया जा रहा है और हमारे अध्यक्ष राजू भैया का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है, मनीष भैया का बहुत बड़ा सहयोग है, बाकी सीनियर लोग हमारे हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है, जिससे कि सहयोग के द्वारा ही ये 60-65 दिनों से कंटिन्यू ब्राह्मण सेना वारी के क्षेत्र में एक अन्नदान मतलब कि भोजन दान का वितरण कर रही है। और हमारे PI साहब हैं यहाँ पर एक वारी थाना क्षेत्र के, उनका भी बहुत बड़ा पाठक साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिनके सहयोग के चलते ही व्यवस्थित रूप से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। अपने वाड़ी की तारीफ करना चाहता हूँ कि हमारे वाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध नहीं मिला, इसका मैं वाड़ी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पत्रकार बंधुओं का विशेष करके ध्यान धन्यवाद देता हूँ कि उन लोग हमेशा सभी लोगों को जागरूक करते रहे हमेशा, और हमारे वाड़ी के PI साहब पाठक साहब जो हैं वो हमेशा निरंतर में रखे हैं और हमारे वाड़ी के सभी वार्ड मेंबर हो, नगराध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो और हमारे जुमा प्यारे वाले जी जो हमारे CO साहब हैं, सभी के सहयोग से आज वाड़ी हम लोग पूरा सुरक्षित है। जबकि वाड़ी सबसे बड़ा है नागपुर सिटी में, सबसे बड़ा सिटी वाड़ी सिटी है, लेकिन सभी लोग सुरक्षित है कोरोना से और आगे भी ऐसे ही सुरक्षित रहेंगे। सभी लोग का सहयोग हमेशा मिलते गया और सभी लोग सुरक्षित रहें। विगत दिनों से करीबन 60 दिनों से नागपुर शहर में जुझारू रूप और पूरी ताकत के साथ बगैर किसी कोरोना के डर से समाज बंधुओं का और नागपुर शहर में ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए पूरी ताकत से उतरी है। मैं उनके अध्यक्ष मनीष त्रिवेदी जी को बधाई देना चाहता हूं, उनकी सारी टीम को बधाई। इस वैश्विक महामारी कोरोना के इसमें लगातार 60-65 दिन से पका हुआ अन्न वितरण, किराना किट वितरण कर रही है। ब्राह्मण सेना वाड़ी के अध्यक्ष राजू मिश्रा जी लगातार इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, साथ में सरकारी योगदान जैसा आना चाहिए। आज हमारे साथ में PI वाड़ी के जो हैं पाठक साहब भी लगातार जूझ रहे हैं इस काम में, चौबे जी भी उपस्थित हैं साथ में। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि इतने कष्ट के समय में जहाँ पे लोग एक तकलीफ को झेल रहे हैं, कई लोगों के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं, कहीं किराने की व्यवस्था नहीं, ऐसे में दान दाताओं की भी कमी है, ऐसी स्थिति में इतना बड़ा आयोजन करना, दान की व्यवस्था करना, ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। आज हमारे यहाँ वाड़ी में जो शिव भोजन थाली का जो उद्धव साहब का जो एक सपना था उसको आज उसका उद्घाटन आज हमारे रामटेक लोकसभा के खासदार माननीय श्री कृपाल जी तुम्हारे द्वारा किया गया। उसमें जो भी लाभार्थी भोजन करने आएगा उससे 5 रुपये चार्ज लिया जाएगा और बाकी जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ग्रांट दी जाएगी। लेकिन अभी COVID-19 की जो परिस्थिति चल रही है और लोगों के जो बेरोज़गारी का संकट है, तो ऐसी स्थिति में शिवसेना महाराष्ट्र वाहतूक सेना ने विचार किया कि आगे आने वाले 20-25 दिन के लिए उन लाभार्थियों से 5 रुपये भी ना लिए जाएँ, इसलिए हमने 10,000 रुपया इस शिव भोजन थाली में माननीय कृपाल जी तुम्हारे जो हमारे सांसद हैं उनके द्वारा जो संचालक है
उनको हमने दिया। इसके साथ साथ मैं सभी लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि इसी तरह से आप लोग भी अपना सहयोग दे के इस परिस्थिति में जो गरीब जनता है उसका सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इन बीसीएन न्यूज़ के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।